सो हे गाइस, वेलकम बैक टू सोल टूर्नामेंट एंड अपडेट वीडियो। एंड आज हुआ इसी स्पोर्ट्स का ग्रैंड फाइनल का आज डे वन था, जो कि अभी खत्म हो गया है। बाकी जो पॉइंट स्टैंडिंग है वो अभी तक आई नहीं है। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप ओएस स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो, बट अभी तक आई नहीं है, थोड़ा वेट कर लेना। और बाकी आपको ये वीडियो में ओएस स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जहाँ पे सोल अक्सर थे 1v3 गया था गॉडलाइक को, और सोल वर्सेस गॉडल का कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलेंगे, और बाकी कुछ अच्छे फाइट आपको देखने को मिलेंगे सोल के ओएस स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट का। तो बाकी अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। एंड चैनल पे जो भी है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो हमारा सब्सक्राइबर टारगेट था वो था 1 वीक के अंदर 55 के सब्सक्राइबर करना, और आज डे 2 है। सो चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना, हमें कैसे भी 1 वीक के अंदर ये 55 के सब्सक्राइबर करना है। सो जो भी नया है सब्सक्राइब कर देना। बाकी अब चलते हैं सीधा मैच की तरफ। सेमीफाइनल में चेक इंडिया के काउंट पे ओवरऑल डोमिनेशन में, आज का डे भी बहुत अच्छी तरीके से वो कंट्रोल में दिखा रहे थे, लेकिन ओएस ये एक्सपीरियंस साफ-साफ झलकता हुआ इस मैच में। मजा आ रहा है जिस तरीके से वो एग्रेशन आपको यहां पर दिख रहा है, इन खिलाड़ी, इन प्लेयर्स का, इन सारी की सारी टीम्स का, जोन क्लोजिंग इमॉर्टल, वो एक कारण बना जिसके कारण जैजी को वहां पर रिवाइव दे चुका है। अब देखिए जो टीम पे थोड़ा डिफेंस पे थे अब वो अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सामने जो खिलाड़ी वो आउट नंबर हो चुके हैं। बंक काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्लास डैमेज बहुत ज्यादा यहाँ पे मॉडल के, लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 2-3 खिलाड़ी एक साथ जब आगे बढ़ेंगे आप संभल के भी ना सम... एडवांटेज में है और ग्रेनेड स्मोक्स मॉली जो भी यहाँ पे यूज कर सकते किए जा रहे हैं, लेकिन Z-God सीधा उनके सामने चले गए। क्या कनेक्शन बनाया जा सकता है, क्योंकि Z-God आज के डे पे काफी कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं, मजबूरन उनको नीचे आना पड़ा और कनेक्शन आप देखिए Z-God मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे, एक के बाद एक प्लेयर को डाउन करते चले जाएंगे। और टीम सोल जो मैन एडवांटेज की मैं बात ही कर रहा था कि इनके पास है, उसे छीना जा रहा है धीरे धीरे करके, और सर्कल का भी वो एडवांटेज टीम सोल से छीन लेंगे, पूरा पूरा कंट्रोल ऑफ टीम गॉडलाइक के पास। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हील चलती दिख रही लगातार, हेक्टर हील बैटल फॉर द टीम एंड अगेन एक अच्छी वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ से। चार टीमें हैं, 8 खिलाड़ी बचे दिख रहे हैं। नियो ट्राइंग इज बेस्ट टू गेट दोस वैल्यूज, नियो ट्राइंग इज बेस्ट टू कंफर्म दोस फ्रैग्स। टीम गॉड एक 5 फ्रैग साथ अभी भी सर्वाइव करेगी। VLT हमने देख लिया जिस तरीके से इमॉर्टल ने बचाया अपनी पूरी टीम को, साथ के साथ हमें जी साथ साथ हमें सोल, ये दोनों टीमें सर्वाइव करती दिख रही है सर्कल के बाहर। सो सर्कल का कंट्रोल वो अभी के लिए टीम मॉडल के पास है, बट यू नेवर नो, VLT वो चीजें बदल सकते हैं। इवन यू नेवर नो, माइट भी अगर हेक्टर अपने 12 फोर्सेस आउट करते 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 हील आगे बढ़े, शायद एक आधा फ्रैग निकाल के गेम का पूरा रुख बदल सकते हैं। कई बार होते हुए हमने देखा इस दिख रही वॉल के साथ सामने से कोशिशें को दिख रही यहाँ पे VLT के साइड से, VLT के पंक वो कोशिश अब रिजल्ट लाके दे रही है, वो कोशिश अब यहाँ पे परिणाम ला रही है आपके हक का, लेकिन अब पंक अकेले बचे हैं, ही लगाते देखेंगे जरूर से सर्कल के तरह नीचे। गॉडल हैव बीन एलिमिनेटेड, हेक्टर एलिमिनेट हो जाएंगे, जो वहां से पूरी परेशानियां बढ़ा सकता है। बट चलिए Z-God को कनेक्शन मिलेगा, डाउन किया जाएगा एक प्लेयर को, Z-God के ऊपर भी कुछ कनेक्शन आया लेकिन सही समय के ऊपर व्हीकल लेके निकलना चाहते तो ओएस वो डाउन करेंगे स्पाई को, लेकिन Z-God को डाउन किया जाएगा। ट्राई आउट अभी के लिए सोल का, ट्राई आउट यानी कि ओमेगा के हाथ भी कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन मिल ही चुका है समझ ही लीजिए वहां पे, क्योंकि प्लेयर उनके पास कोई मौका नहीं है। और वहीं पे एक शैडो के ऊपर भी बढ़िया सा स्प्रे जाता हुआ व्हीकल फ्रैग से ब्लास्ट कर दी जाए, लेकिन रिवाइवल की तरफ वो बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे और वहां पे रिवाइवल कर दिया जाएगा, और वहीं पे शैडो भी निकल चुके हैं। ये बहुत सही टाइमिंग थी, लेकिन ये सही टाइमिंग का फायदा वापस से उठाते हुए नजर आ जाएंगे। एक ही खिलाड़ी इस टाइमिंग का फायदा उठा रहा है और वो है ओमेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि लोकेशन कहाँ है प्लेयर्स की, लेकिन अब परफेक्ट टाइमिंग है गॉडलाइक के पास वहां से निकलने का। लेकिन चलिए वापस से ओमेगा घात लगा के बैठे हुए बैक साइड के अंदर भी प्लेयर्स को देखा और इवन उनका कनेक्शन प्रदर्शन चाहिए था वो नहीं निकाल पा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन Z-God अपना जो कंफर्मेशन है वो लेंगे। लेकिन टीम सोल अपना पहला प्लेयर गवाती हुई यहां से निकलना पड़ेगा गॉडलाइक के प्लेयर्स को भी, क्योंकि आप ज्यादा देर तक यहां पे रुक नहीं सकते। बट नियो को भी डाउन कर दिया है, तो क्या टीम गॉडलाइक टीम सोल पे काफी ज्यादा हावी हो रही है। लेकिन सोल का ट्राई आउट, वो रुके है और उन्होंने रुक के देखा है नियो को, लेकिन क्या नियो ने देखा है ओमेगा को ये देखना पड़ेगा। लेकिन अक्षत जब तक ये खिलाड़ी पीछे की तरफ मौजूद है मिलेगा, बट वो रेकनिंग के युवा थे सरदार जी,
जो वो कंफर्मेशन लेके जाएगी, यानी कि टीम सोल को भी नुकसान हुआ है, टीम गॉडलाइक को भी नुकसान हुआ है, लेकिन एक और टीम आई है जो फायदा उठाने वाली है। जी हाँ, देखना यह है कि क्या टीम सोल अब यहाँ से निकल पाएगी। एक सेफ हल्का फुल्का कनेक्शन मिला है जूसी के ऊपर, उनके एचपी कम होती हुई देखने को मिले, वह एक और नेट जाता हुआ देखने को मिलेगा, बट नहीं हो उनको अक्षत के हाथों बाहर किया जाएगा। और अक्षत को सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे और बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे, उनमें से कोई फिल्टर करके आप कहीं भी उसे मंगवा सकते क्योंकि ऑल ओवर इंडिया डिलीवर होता है। बट यहाँ पे टीम सोल अगेन फाइट पे आ चुके, रेक्स को फिलहाल वहां पे डाउन किया गया, समाप्त भी किया जाएगा, लेकिन वो गॉडलाइक के नियो थे जो कि वो टीम सोल का फिनिश पॉइंट शायद अपने बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है, ऑलमोस्ट यहाँ पे धुआं निकल रहा है और कुछ बुलेट्स इनफ रहेगी इस व्हीकल के अंदर से इस प्लेयर को भी डाउन करने के लिए, लेकिन सामने हनुक बनी उनकी यहाँ पे फाइट रहेगी। डैमेज काफी अच्छा माइटी की तरफ से ऑलरेडी डील हो चुका है, बस काफी अच्छे बूस्टर से जिससे वो बड़े आराम से हील बैटल कर सकते हैं कुछ समय तक, लेकिन थोड़ा लेट क्या हो गया, अगर आप हल्का सा भी चूके तो आप यहाँ से बाहर हो सकते हैं। बट टीम सोल चारों खिलाड़ी केवल एक फिनिश पॉइंट, पूरा यहाँ पे जो ट्राई है कि आखिर तक अपने आप को लेके जाए और शायद उसमें कामयाबी भी इन्हें प्राप्त तो हो सकती है। ट्राउट धीरे धीरे करके सर्कल की तरफ बढ़ते चले तो जा रहे हैं, लेकिन आसान रहेगा नहीं क्योंकि आप देखें मिनी मैप में फर्स्ट एड किट्स लगाई जा रही है, बैक टू बैक लगाई जा रही है, लेकिन वहीं पे रश किया जाएगा प्लेयर को डाउन करने के लिए। लेकिन चलिए यहां से एक फायदा मिलेगा अक्षत मैन, एक फिनिश वो अपने नाम लेके जा पाएंगे। सोल भी हमें फाइट में जरूर से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, एस ब्लैक को भी वहां पे टेक डाउन कर चुके हैं। साथ ही साथ अब देखिए टीम ग्लोबल स्पोर्ट्स के एलिमिनेट होने के कुछ ही सेकंड काफी मजे खिलाड़ी नियो का एक करेक्शन गमला बॉय के ऊपर आएगा, मैंटी ऑन द रन, ट्रॉय के ऊपर एक करेक्शन, फॉक्स सीक्रेट को करेंगे डाउन, हेक्टर फॉक्स का कंफर्मेशन लेंगे, हेक्टर फॉक्स का फ्रैग चुरा के जाएंगे, नाक के नीचे से एक फ्रैग चुरा दिया गया और पता भी नहीं चला किसी को बिल्कुल। लेकिन एंटिटी यहाँ पे समाप्त होते हुए शायद हमें देखने को मिल चुके हैं, हेक्टर भी वहाँ पे कुछ फिनिश निकालने में कामयाब हुए, लेकिन न्यूमैन वर्सेस गॉड लाइक शायद हमें वहाँ अगेन यहाँ पे बात की जाए तो VLT सीधा इंटर कर चुके हैं फाइट में। केमिनी स्पोर्ट्स की बात की जाए तो अब शायद वो ये शॉट जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है, एफ यू आखिरी खिलाड़ी थे उन्हें भी समाप्त किया गया, कुल मिला के अच्छी कोशिश थी पर शायद वो आउटरेज होने के कारण उसका फायदा उतने अच्छे तरीके से वो उठा नहीं पाए। गॉडला की बात की जाए तो दो फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं, सामने एक खिलाड़ी है वो मॉली करने की वहाँ पे कोशिश रहेगी, ये ट्राई कर रहे हैं अगले एंगल से जाए पर उस दौरान बहुत ज्यादा आसान हो गई को भी करना चाहेंगे स्पॉट, बट डर की अपने ही प्लेयर पे स्प्रे दी बाबा के ऊपर भी कनेक्शन हेक्टर की तरफ से, हेक्टर बियोनोवा का कंफर्मेशन, हेक्टर व्हाट इज दिस गाय डूइंग, हेक्टर आप सपोर्ट प्लेयर है और आप टीम के असॉल्टर का रोल निभा रहे हैं, आप टीम के लिए फ्रैग से फ्रैग दिखा रहे हैं, दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग। बट चलिए द स्टोरी कंटिन्यूज, चार टीमें 11 खिलाड़ी, टीम सोल स्टिल सर्वाइविंग, बट क्या रेकनिंग या टीम सोल। बाकी आपको टीम सोल का आज के कुछ अच्छे फाइट कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताना, एंड अगर आपने टीम सोल का कल का स्क्रिम्स का मैच नहीं देखा है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस यही था आज का वीडियो, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सोल के अपडेट एंड तोड़फोड़ के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप प्लेइंग कीप सपोर्टिंग बाय, एंड चैनल पे जो भी नया सब्सक्राइब कर देना।